कबाड़ स्टोर था यार, अभी तो पूछना ही है मुझे, जस्ट बिकॉज आई थिंक आई नीड अ बाइसाइकिल राइड। भाई कब से बाइसाइकिल बाइसाइकिल कर रहा है यार, मतलब चुपचाप एकदम खरीद लेना, मतलब के पैसा है ना ब्रो, आई कांट अफोर्ड द न्यू वन, सो आई नीड टू गेट वन सेकेंड हैंड। एंड क्यों चाहिए, बिकॉज सी यार मिनिमम मैं 10 to 12 किलोमीटर्स वॉक कर रहा हूँ भाई, इट इज़ इम्पॉसिबल डूइंग दिस काइंड ऑफ शिट एवरी डे मैन, तो इसलिए आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ। हमको इस दुनिया से मतलब ही नहीं है, हमको वो साइड पे जाना है, सोमबड़ी डायरेक्ट मी फॉर अ जंक यार्ड है वहाँ पे, तो चलो भाई देखते हैं वहाँ पे साइकिल मिलता है नहीं मिलता है। जाने दो जाने दो, आओ आओ आओ, सब लोग आओ प्लीज, आओ ना क्रॉस द रोड प्लीज, डू इट फास्ट। मैं अभी यहाँ पे भागूंगा, अरे मर जाना, बहन बी केयरफुल ब्रो, बी केयरफुल भाग। अरे यार इफ आई गॉट इंजर्ड देन भाई नो वन इज विथ मी राइट। भैया साइकिल मिलेगा यहाँ पे, कबाड़ वाला साइकिल मिलेगा, फुल साइकिल छोटा वाला है क्या आपके पास? पीपल आर लिटरली बिजी डूइंग देयर वॉक। ये देखो साइकिल तो मिल रहा है यहाँ पे, सो माई एक्सपेक्टेशन इज लाइक BMX, बट BMX नहीं मिलेगा ब्रो, ये तो कबाड़ खाना है ना, तो यहाँ पे आपका चॉइस है ना, आपने ढूंढते हुए इफ़ यू आर लक्की इनफ मतलब वो मिल जाएगा, बट नहीं मिलेगा, मतलब लिटरली नहीं मिलता है। ये भी बढ़िया ही है, ये भी मतलब लगता है कोई तो ये इसको यूज़ कर रहा है। ओ भाई बहन चोद, यहाँ देखो ब्रो, दिस इज द वन आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज द वन, एंड वहाँ पे भी देख सकते हो वो छोटा सा। वाओ बहन चोद, अरे भाई तुम्हारा भाई को साइकिल मिल चुका है यहाँ पे ब्रो, वाओ तुम्हारा भाई को यहाँ पे साइकिल मिलता हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन। ये देखो ये वाला, ये जो स्टील फ्रेम है ये वाला, और दूसरा वहाँ पे जो येलो है वो तो बच्चा का लग रहा है ये तो, हाँ ये वाला ठीक है। चलो भाई इसको निकालते हैं और फिर देखते हैं, चलो इफ आई, हाँ दूसरे प्लेस में भी देखो ना एक बारी। अरे भाई बढ़िया कंडीशन में है तो मतलब, हाँ कोई चलाता होगा ना। अरे मत घुस यार दूसरे के रूम पे प्लीज, ये लोग बहुत गुस्सा करेंगे फिर। hey, ये धूल नहीं ब्रो। भैया एक गीत गा दूँ? नहीं नहीं, अरे नहीं, वो साइकिल देखने के लिए आया था। कौन है यहाँ पे? आप पे? अच्छा अच्छा ठीक। ओ ये देखो भाई, do you want a treadmill right here? God damn it, right here ladies and gentlemen। ये धूल नहीं ब्रो, मेहनत है मेहनत। दुनिया बोलता है मुझे फूल ब्रो, ना मैं कूल ब्रो। चलो भाई इसको हम निकालते हैं यहाँ पे, ये वाइट फ्रेम वाला, इसको हम बाहर निकालेंगे और फिर देखेंगे भाई कंडीशन कैसा है। मेन फ्रेमिंग का जॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट रहता है यहाँ पे, मैंने देख लिया है कहीं पे ख़राब तो नहीं है, सो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत चेक किया, बिकॉज़ इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट रहता है यहीं पे रहता है, सो हाँ ठीक ठाक है, फ्रेम तो ठीक है भाई, फ्रेम इज़ इन रियली गुड कंडीशन। बट नेक्स्ट पॉइंट हियर, यहाँ पे इसका मोटर गार्ड देख सकते हो, सीट भी देख सकते हो, एंड मेन इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे व्हील और टायर ट्यूब बहुत ही ख़राब है, बहुत लिटरली ख़राब है। प्रीटी मच लाइट वेट कंसिडर करूँगा वो बड़े साइकिल से तो, एंड इट कैन बी इजीली शिफ्टेड ऑन टॉप ऑफ माय कैंपर ड्यूरिंग ट्रैवल, हाँ इजी है, तो इसीलिए मतलब मैं BMX लेने वाला था ना, वरना ये यहाँ पे बड़े भी देख सकते हो, ये रेंजर्स एंड लाइक ऑल माउंटेन बाइक भी था वहाँ पे एक तो मतलब बहुत ही बड़ा है यू नो, एंड इट्स रियली हार्ड ड्यूरिंग माई शिफ्ट एंड इट्स हैवी एज वेल आई थिंक। अरे यार इतना इतना ज़्यादा तो नहीं है यार, आगे लेकर जाएंगे और बोलेंगे भाई कितना प्राइस का है ये, कितने में दे देंगे, और बट इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, खर्चा आ जाता है, मतलब आगे और पीछे का कम्प्लीटली व्हील चेंज करना पड़ेगा। ब्रेक तो मुझे नहीं चाहिए भाई, ब्रेक आई कैन अप्लाई जस्ट फ्रॉम माई फुट एंड ऑल। तो वहाँ पे आगे वाला भैया ने इसको 1000 में बोल दिया, ब्रो 1000 में तो मैं ख़रीदने ही वाला, बिकॉज इफ़ ये इसका व्हील कंडीशन ही था तो मतलब ठीक ठाक था, मतलब प्राइस हाँ ओके था,
बट आई हैव टू स्विच टू लाइक आई हैव टू चेंज दिस बोथ ऑफ व्हील्स राइट, तो आई कॉन्ट रियली अफोर्ड एट 1000 रुपीज़। और इसको चेंज करने के लिए भी मतलब मुझे तो 1500-2000 रुपये लगेगा ही, बिकॉज 1500-2000 तो लगेगा ही, तो 3000 रुपीज़ ऑलमोस्ट पड़ेगा इसको भाई। 3000 रुपीज़ में आई एम स्टिल लुकिंग फॉर चिप मैन, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर चिप। तो मैंने क्या बोल दिया कि उसका व्हील अच्छा है या ठीक ठाक है, तो उसका व्हील मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और ये इफ़ इट इज़ फिक्स्ड देन मतलब मैं 1000 रुपये दे दूंगा, वही बोल दिया मैंने। हमारा अभी चलने के लिए तयार होता हुआ कबाड़ में 1400 रुपीज़ बोल रहा था, बिकॉज 14 केजीज हुआ, तो मतलब वो बोल रहा था कि 100 रुपीज़ पर केजीज दे दो। एंड मैंने बोला भैया जी यार आपने तो 1000 रुपये बोला था, फिर मतलब इसके लिए ही मैंने तो उतारा सब। देखो भाई इसका व्हील चेंज किया, टायर चेंज किया, पंचर नहीं था, इट वॉज ट्यूब एंड टायर वेरी गुड इन कंडीशन, थोड़ा बहुत रिम को रिपेयर करना पड़ा। एंड ट्यूबल 100 रुपीज़ में मैंने वहाँ से लेकर आया, और फिर रिपेयर करने के लिए 20 रुपीज़ रिपेयर सब तक मैंने सिटी में इसको लेकर आया। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट पॉइंट इज 450 रुपीज़ लिया जो रिपेयर करने वाला ने, पता नहीं भाई क्यों उसने लिया इतना ज़्यादा पैसा यार, 450 रुपीज़। कुछ सामान वामन चेंज भी नहीं किया, एंड ही जस्ट चार्ज मी, नो ब्रेक्स, मैंने ब्रेक ब्रेक निकाल दिया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट राइट हियर, आई हैव अ बैक सीट पीपल, आई हैव अ बैक सीट, ओके। मुझे बैक सीट वाला ही चाहिए था, बिकॉज जो डेमोन्स्ट्रेशन करते वक्त मुझे झोला कैरी करना पड़ता है, और क्या कुछ मतलब कुछ सामान, ये देखो इसको स्लोली स्लोली करके मतलब थोड़ा बहुत रिपेयर करेंगे, और कुछ चेंजेस करना है तो मतलब वो भी चेंज करेंगे। तो अभी के लिए भाई दिस इज़ फास्टर देन वॉल्क, ओके, दिस इज़ 3-4 times फास्टर देन अ वॉल्क, एंड भाई वर्थ इट भाई। एंड मेरा जूता का जो सूल रहता है ना, मेरा जूता का सूल भी सेव हुआ मेरे भाई, वाह भाई वाह, वरना जूता ज़्यादा था ना बर्खो भाई, वो चौक से अभी अभी चला हुआ था, मतलब मेरा घर अभी आने वाला ही है वहीं पे। वाओ दिस इज़ सो फास्ट मैन, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट भाई। लुक्स में मत जाओ, दिस इज़ वेरी ओल्ड, डजेंट लुक्स गुड राइट, बट आई डोंट केयर अबाउट द लुक्स, डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर मैन, इट इज़ हेल्पिंग मी फॉर द डिस्टेंस कवर एंड लाइक ऑफ। अरे यार ब्रेक नहीं लगता भाई, ब्रेक नहीं है भाई। एंड थोड़ा बहुत मैं आपको साइकिल दिखा ही देता हूँ फिनिशिंग टॉच में कैसा लग रहा है, ये देखो भाई पीछे सीट है यहाँ पे, एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी, एंड यहाँ पे देखो, एंड ये BMX का व्हील नहीं है, नॉर्मल व्हील है ये, कभी डालेंगे भाई BMX का व्हील, हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, यहाँ पे भी ऑयल डाल दिया, एंड कुछ भी चेंजेस नहीं किया, यहाँ पे ये बैरिंग चेंज किया आगे और पीछे, और इसको स्पोक को टाइट कर दिया, इतना ही किया। एंड पता नहीं भाई उन्होंने इतना ही करने के लिए भी 500 रुपीज़ चार्ज किया मुझे, कोई नहीं भाई काम करो अमीर बन जाओ यार, ऐसे लूटा मत करो यार, एक्स्ट्रा चार्ज मत लिया करो ना भाई, 500 रुपीज़ फॉर जस्ट यू नो असेंबलिंग दिस थिंग वॉज प्रीटी एक्सपेंसिव फॉर मी मैन।